हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। ये ब्लड का पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन वीडियो में हमने बता दिए थे ब्लड एक नेचुरल कोलाइड है, तो नेचुरल कोलाइड का जितने भी नेचुरल कोलाइड लिक्विड है उसमें क्या होगा, दो पार्ट मिलता है, एक लिक्विड पार्ट मिलता है और एक हार्ड पार्ट भी रहता है। तो इसमें ब्लड को अगर डिवाइड किया जाए तो दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है, एक प्लाज्मा, एक पार्ट को प्लाज्मा बोला जाता है जिसमें ब्लड में 55-60% रहता है ये प्लाज्मा। एक और भी चीज रहता है ब्लड को अगर दो चीज में डिवाइड करें तो क्या रहता है, कार्पल्स कितना रहता है, 40-45% रहता है। इसमें जो प्लाज्मा रहता है, ये प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो है प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा कितना रहता है, 55-60% रहता है ये प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में मिलता है सीरम, इस सीरम से ब्लड का जो मैक्सिमम टेस्ट होता है, जैसे मान लीजिए सुगर टेस्ट आ गया, यूरिया टेस्ट, क्रिएटिनिन टेस्ट या बहुत सारी टेस्ट होता है, मैक्सिमम जो टेस्ट होता है ये सीरम से ही होता है। सीरम कहां मिलता है, ब्लड की प्लाज्मा में मिलता है। दूसरी तरफ क्या मिलता है, कार्पल्स मिलता है। कार्पल्स कितना होता है, 40-45%। कार्पल्स तीन हिस्सों में बांटा जाता है, क्या क्या, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा रहता है प्लैटलेट। आरबीसी को बोला जाता है रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल भी बोला जाता है। ये आरबीसी का एक और नाम है, जैसे मान लीजिए हमारे आईडी कार्ड में या कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस में एक नाम होता है, लेकिन घर में भी एक नाम दिया जाता है, कोई दोस्त भी एक नाम देता है, इसी तरह ये आरबीसी का भी एक नाम है जिसको बोला जाता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट किसको बोला जाता है, आरबीसी या रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पेल को। ये आरबीसी मानव देह शरीर में कितना रहता है, 50 लाख रहता है। अगर इसको मिलियन में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 5 मिलियन होगा। और ये कितने दिन जिंदा रह सकता है, 120 दिन रहता है। मतलब आज की डेट में आरबीसी जितना भी रहेगा हमारे शरीर में, जितना भी शरीर में उत्पन्न हुआ उसने 120 के दिन में ही ये नेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है क्या आता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम क्या जानते हैं, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स के नाम के जाता है। इसका भी एक नाम है, इसको बोला जाता है लीकोसाइट। अगर आप ब्लड टेस्ट देखेंगे, सीबीसी या कोई भी टेस्ट, डीसी काउंट या टीसी काउंट देखा होगा, उसमें एक वर्ड लिखा होता है डब्ल्यूसी और टीएलसी या टीसी बोला जाता है। टीसी का फुल फॉर्म है टोटल काउंट और टीएलसी का फुल फॉर्म है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या डब्ल्यूबीसी भी इसको बोला जाता है। ये कितना रहता है, कितना नॉर्मल रेंज है, 10 से 11 हजार के बीच में ही रहता है। इसका जो नॉर्मल रेंज है वो कितना है, 10 से 11 हजार मिलता है। कौन किसका नॉर्मल रेंज है, ये डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है या ल्यूकोसाइट को बोला जाता है। इसके क्या बोला जाता है, इसको टोटल काउंट भी बोला जाता है। अब ये टोटल काउंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का टेप 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। कौन सी 5 पार्ट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, स्नोफिल और बेसोफिल। अगर ये 5 पार्ट को एक साथ बोला जाएगा तो उसको बोला जाएगा टीसी काउंट, मतलब टोटल काउंट, या टीएलसी में इसको बोला जाता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, या उसको बोला जाता है डब्ल्यूबीसी काउंट। ये नॉर्मली कितना रहेगा, 10 से 11 हजार के बीच में रहेगा, 10 से 11 हजार के बीच में इसका जो नॉर्मल रेंज है। और कितने दिन ये जिंदा रहता है, 11 दिन तक। अगर आज की डेट में जितना भी आरबीसी क्रिएट हुआ है या आरबीसी उत्पन्न हुआ है वो 11 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। और इसमें जो 5 पार्ट है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल या बेसोफिल, ये 5ों चीज को अगर डिफरेंट टाइप्स इसको काउंट किया जाता है तो उसको क्या बोलता है, डिफरेंशियल काउंट या डीसी काउंट बोला जाता है। डीसी काउंट में इसका नॉर्मल रेंज कितना आता है, इसमें जो न्यूट्रोफिल का आता है वो 40 से 80 के बीच में रहेगा, 40-80% में रहेगा। क्या रहेगा, न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल हमारे शरीर में क्या होता है, बैक्टीरिया और वायरस के एंटी रूप में काम करता है। कौन काम करता है, न्यूट्रोफिल। ये जो केमोथेरापी या कैंसर जो बीमारी आता है, ये जो न्यूट्रोफिल का नॉर्मल रेंज है या न्यूट्रोफिल जितना भी रहता है कम हो जाए। कौन सी बीमारी में, केमोथेरापी क्या हो, कैंसर के ट्रीटमेंट इलाज के लिए इसको दिया जाता है केमोथेरापी, या कैंसर की जो बीमारी होता है तो क्या होता है, न्यूट्रोफिल ये नीचे आ जाता है, कम हो जाता है शरीर में। दूसरा जो आता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कितना रहता है,
है 20 से 45 के परसेंटेज में रहता है या 20 या 45 में रहता है। कौन रहता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट अगर माइक्रोस्कोप में लिम्फोसाइट को देखा जाए तो उसको टी लेटर की जैसा आता है, इसीलिए लिम्फोसाइट के टी सेल भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लिम्फोसाइट को बोला जाता है टी सेल। नेक्स्ट जो आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट कितना रहता है? 2 से 10% में रहता है, 2 से 10 के बीच में रहता है ये मोनोसाइट। नेक्स्ट आता है स्नोफिल। स्नोफिल 1 से 6 के बीच में रहता है। अगर ये स्नोफिल ज्यादा होगा, मान लीजिए 7 से ऊपर आ गया, तो इसमें किसी भी व्यक्ति में अगर ये स्नोफिल ज्यादा हो जाता है तो उसको, उस व्यक्ति को एलर्जी या सर्दी का सी जुकाम जैसी बीमारी ज्यादा से ज्यादातर आ सकते हैं। सेकेंड लास्ट जो है बेसोफिल है। बेसोफिल कितना रहेगा? 0 से 1% के बीच में ही रहता है ये बेसोफिल। नेक्स्ट आता है प्लेटिलेट। प्लेटिलेट का भी एक नाम है जिसको बोला जाता है थाम्मोसाइट। थाम्मोसाइट एक व्यक्ति में प्लेटिलेट कितना आता है? 2 लाख में आता है। एक व्यक्ति में कितना आएगा? 2 लाख। एक बीमारी है डेंगू नाम की बीमारी। डेंगू नाम की बीमारी में क्या होता है? ये 50,000 के नीचे आ जाता है प्लेटिलेट। ये प्लेटिलेट क्या होता है? 50,000 के नीचे आ जाता है, 50,000 के डाउन हो जाता है ये प्लेटिलेट। ये प्लेट इसीलिए डेंगू जैसी बीमारी में पेशेंट को क्या होता है? बहुत सारी वीकनेस आ जाता है। ये प्लेटिलेट कितना दिन रहता है शरीर में? 7 दिन ही रह सकता है। तो ये था कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में जानकारी।